कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बंगाल की 24 परगना में खूनी हिंसा हुई है। दो गुटों की झड़प में एक व्यक्ति की जान चली गई और हिंसा में दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, बम फोड़े गए। हालात संभालने के लिए पुलिस को बंदूक थामनी पड़ी और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। बम की तस्वीरें आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। देसी बम यहां पर चलाए गए, फायरिंग की घटना हुई और एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसमें दो गुटों के बीच ये मारपीट, तनाव की स्थिति पूरे इलाके में। इसके बाद हालात काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दोनों तरफ से गोलीबारी की खबर है और इसी बीच पुलिस हालात काबू करने की कोशिश में। ये देखिए देसी पिस्टल, पिस्टल से लेकर बम, हिंसा की ये घटना। चुनाव प्रचार, चुनाव से पहले हिंसा का यह दौर शुरू हुआ, उसके बाद चुनावों के दौरान भी पश्चिम बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई, लेकिन अभी भी तनाव की यह स्थिति वहां पर थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इंतजार करना होगा इस बात का कि ये दो गुट कौन है, किनका समर्थन इनके पास है और क्यों ये इस तरह की तनाव की स्थिति, हिंसा की स्थिति यहाँ पर बनी। लेकिन एक शख्स की मौत भी हुई है। नॉर्थ 24 परगना की एक घटना जहाँ पर हिंसक झड़प ने एक बार फिर से बंगाल के हालात को लेकर चिंता पैदा कर दी है। और आइए अब बंगाल के बाद रुक करते हैं बिहार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना दौरा रद्द कर लिया है, जिसके तहत वो गर्मी और लू का सर्वेक्षण करने वाले थे। अब वो सिर्फ गया जाकर मरीजों का हालचाल जानेंगे। इससे पहले उनका गया, औरंगाबाद और कुछ और शहरों में जाने का कार्यक्रम था, हवाई सर्वे का कार्यक्रम था, लेकिन हवाई सर्वे को रद्द कर दिया है मुख्यमंत्री ने। जैसे ही इस बात की सूचना सामने आई थी कि मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करने वाले हैं उन इलाकों का जो गर्मी से प्रभावित हैं, तो सवाल उठ रहे थे हवाई सर्वे को लेकर, क्योंकि एक तरफ मुजफ्फरपुर की घटना है जहां पर बच्चों ने गर्मी से लेकर चमकी बुखार की चपेट में आकर दम तोड़ा है, और मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, वो आगे बढ़ गए। और ऐसे में हवाई सर्वेक्षण को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने यह सर्वेक्षण रद्द कर दिया है। गया जाएंगे और वहां जाकर मरीजों से उनका हालचाल जानेंगे। यहां पर ये सरकारी काफिला आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार का, उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछने की भी कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। और ऐसे में जब सरकार पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, हमारे संवाददाता सुजीत झा भी पहुंचे और ऐसे में क्या कहना था सरकार में मंत्री नीरज कुमार का, सुनिए। है उनसे पूछते हैं, मंत्री जी ये बताइए, मुख्यमंत्री जा रहे हैं दौरे पे गर्मी में, हमको लगता है कि ये पहला अवसर होगा कि गर्मी को लेकर इतनी गंभीरता आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन हवाई सर्वेक्षण गर्मी का ये कैसे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हवाई सर्वेक्षण शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, सच यह है कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे, जिनका जिसका अधिकार प्राप्त है माननीय मुख्यमंत्री जी को, तीन जिले में जाना है, वहाँ असाधारण परिस्थिति है। चूँकि हम लोग गया में ही पढ़े हैं तो हम लोगों ने अब तक लू से बीमार पड़ते देखा था, लोग से परेशानी होते देखा था, लेकिन असामान्य परिस्थिति है, लू से भी मौत हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, तीन विभिन्न जिलों का दौरा है, तो अब इसको महत्वपूर्ण विषय यह नहीं बनाया जा रहा है कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, लू पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, जो व्यवस्था है उसका उसका सापेक्ष रूप से मूल्यांकन करने के लिए जा रहे हैं। इशू यह बना दिया गया कि हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो हवाई सर्वेक्षण हो रहा है। अरे सच यह है कि पीड़ित लोग परिवार से मिलने जा रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दायित्व है उस दायित्व के निर्वहन के लिए जा रहे हैं। वैसे ही जैसे कि मुजफ्फरपुर में वो चमकी बुखार के को लेकर जो दौरा हुआ उसमें भी काफ़ी आलोचना की गई कि काफ़ी देरी से गए वो। आलोचना तो लोग भगवान का भी करते हैं,
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो चीफ सेक्रेटरी बिहार सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें डिटेल बात कही है। उसमें डिटेल बात यह कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग हर रोगी से मिले, किसी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज किया। तो मंत्री नीरज कुमार यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब देते हुए ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कह चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों के सामने से गुजरे, चाहे वो दिल्ली हो या फिर पटना, चुप्पी साधे रहे। दिल्ली की खामोशी एक तरफ, क्योंकि दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री, मुजफ्फरपुर में जो हालात हैं, बच्चों की जो स्थिति है, उसके बावजूद यहां पर नीति आयोग की एक बैठक थी जिसमें शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बाद पटना में भी जब पत्रकार उनके पास पहुंचे और बच्चों की जो स्थिति है, कहाँ पर लापरवाही रही, कहाँ चूक हुई, कौन इसकी जवाबदेही लेगा, ऐसे हालात क्यों साल दर साल इसी तरह सामने आते हैं, ऐसे कई ज्वलंत सवाल थे सामने, लेकिन उस पर भी चुप्पी साधे रहे मुख्यमंत्री और आगे बढ़ गए। हालांकि उनके मंत्री ये कहते हुए कि जो कहना था एक बार कह चुके हैं, लेकिन मासूमों की मौत पर सियासी शोक का आयोजन भी हो रहा है। आज शरद यादव मुजफ्फरपुर आए और अपने साथ गाड़ियों का इतना बड़ा काफिला लेकर आए कि मरीजों की जिंदगी को वो और मुश्किल कर गए। शरद यादव और मुकेश साहनी इस वक्त एसकेएमसीएच के अस्पताल से निकल रहे हैं और उनकी गाड़ियों का काफिला हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देख लीजिए, ये एक गई, ये दो गई। शरद जी से बात करने की कोशिश करते हैं। शरद जी दौरा करने आए थे, क्या देखा, क्या पाया आपने? देखिए, बहुत यानी त्रासद और बहुत तकलीफ देह स्थिति है। सब गरीब बच्चे हैं, गरीबी के चलते यह है। और दुर्भाग्य है इस देश का कि बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन इस बीमारी का हम कारण क्या है इसकी खोज नहीं कर पाए। 2014 में भारत सरकार का मंत्री आता है, यहाँ का मुखिया आता है, इतना समय मिला, यदि उसकी तैयारी ठीक होती तो हो सकता है कि इतनी कैजुअलिटी बच्चों की ना होती। शरद जी, आप भी इतने बड़े काफिले में आ गए, पीछे दो एम्बुलेंस रुका हुआ था, टेम्पो में मरीज आने वाले थे। नहीं, मुझे अफसोस है, मैंने तो किसी से नहीं बताया था, और इसलिए मैं दो तीन बार देख करके चल जा रहा हूँ, वही तकलीफ देख करके जा रहा हूँ। तो देख लीजिए, ये रहा दूसरी गाड़ी का काफिला, काफिले में ये रही तीसरी गाड़ी, ये रही चौथी गाड़ी, अभी आप देखते रहिए, बस चौथी गाड़ी निकली, ये पांचवी गाड़ी निकल रही है, ये छठी गाड़ी है, सातवीं गाड़ी, बड़े बड़े SUVs लग्जरी गाड़ियां हैं, ये आठवीं गाड़ी निकली, आप बस गिनते रहिए, ये नौवीं गाड़ी निकली और ये दसवीं गाड़ी है, यानी दस दस गाड़ियों का काफिला था साथ में, और इन दस गाड़ियों के अलावा तीन गाड़ी एस्कॉर्ट में भी थी जिसमें SDM साहब और DSP साहब भी थे। तो 11 गाड़ियां हैं जो इस काफिले से गुजरी, और आप ऐसे में देखिए कि जो लोग वहां फंसे होंगे, खासकर अस्पताल जैसी जगह पर, ऐसे में कितने मुश्किल हालात पैदा हुए होंगे। आज तक संवाददाता रोहित कुमार ने उस परिवार से बात की जो शरद यादव के काफिले के चलते वाहनों की भीड़ में फंस गया। उस परिवार की पीड़ा देखकर आपको नेताओं की बिरादरी पर जबरदस्त गुस्सा आएगा। राजनेताओं की संवेदनहीनता इस तरीके तक, पराकाष्ठा तक पहुंच चुकी है कि अभी आप देख लीजिए, शरद यादव जो हैं वो यहाँ पर आए हुए अस्पताल में दौरा करने के लिए, और उनका गाड़ियों का काफिला देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा गाड़ियों का काफिला है। शरद यादव खुद हैं और विकासशील इंसान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश साहनी भी हैं, और इन गाड़ियों के काफिले में आप देख लीजिए, मरीज जो है वो ऑटो में आना चाह रहा है, आया हुआ है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है उसको अस्पताल तक पहुँचने के लिए। आप तस्वीर देख सकते हैं। भाई, क्यों नहीं आगे जा पा रहे हो? जाम के कारण नहीं जा पा रहे हैं। क्या जाम लगा हुआ है? क्या गाड़ी घोड़ा सब लगी हुई रोड पर। किस तरीके से, आप तस्वीर देख लीजिए, क्या हो गया इसको? एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कर गया है। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट हो गया है तो टेम्पो आगे नहीं जा पा रहा है। देखिए किस तरीके से मुश्किल हो रही है, यहाँ पर टेम्पो को निकाला जा रहा है, और राजनेता जब यहाँ पर आते हैं तो बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले उनके होते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला होता है, ये तक नहीं सोचते हैं कि इतनी सारी गाड़ियों को जो हम अस्पताल के अंदर ले जाएंगे तो फिर मरीजों का क्या होगा, कोई एम्बुलेंस आ रहा होगा, कोई टेम्पो से आ रहा होगा, कोई रिक्शा से आ रहा होगा, उसका क्या होगा, ये सब नहीं सोचकर देख सकते हैं कितनी लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला यहाँ पर शरद यादव और मुकेश साहनी का आया हुआ है। साफ तौर पे दिखा रहा है
कि किस तरीके से राजनेता सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। मरीजों की बिल्कुल चिंता नहीं है, आम लोगों की बिल्कुल भी उन्हें कोई परवाह नहीं है, चाहे वो जिए या मरे। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक। मासूमों के लिए मातमपुर बना मुजफ्फरपुर सियासी शोक प्रदर्शन का मंच बन गया है। नेता अभिनेता सब ये दौड़ लगा रहे हैं। भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल भी अस्पताल पहुंचे और फैंस की भीड़ जुटाकर मरीजों की जिंदगी बेहाल कर दी। भोजपुरी फिल्म कलाकार खेसारी लाल यादव इस वक्त पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के अस्पताल SKMCH में, जिसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। ऐसा लगता है मानो यहां पर लोग पहुंच रहे हैं टूरिज्म करने के लिए। बार बार लोग यहां पर आ रहे हैं, नेता आते हैं, राजनेता आ रहे हैं, फिल्मी कलाकार भी अब देखिए यहां पर आ चुके हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन नेताओं की यहां पर अभी फिलहाल क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहां पर इनके आने से तो आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जा रहा है। जो डॉक्टर्स यहाँ पर बच्चों की चिकित्सा में लगाए गए हैं और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, वो इन नेता और अभिनेताओं के साथ ही व्यस्त हो जाते हैं जब वो दौरा करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में सवाल बनता है कि क्या ज़रूरत है नेता के साथ साथ अभिनेताओं को भी कि वो यहाँ पर आएं और इस तरीके से जो है अव्यवस्था की स्थिति को पैदा करें। फिलहाल आप देखिए किस तरीके से लोग खेसारी लाल यादव के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मार की स्थिति हो गई है। देख लीजिए यहाँ पर लगे हुए हैं कि एक झलक पा सकें भोजपुरी कलाकार की और उसके बाद उनके साथ एक तस्वीर खिंचाई जा सके। ये बताइए इतना अफरा तफरी ऐसे ही अस्पताल में है, ऐसे में खेसारी लाल यादव अभिनेता आ जाते हैं, लगता नहीं है मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इन लोगों का क्या है, इनके घर से तो कोई जा नहीं रहा, बस ये आते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, टीवी पे आने के लिए। अगर करना ही है तो यहाँ का व्यवस्था ठीक करवाए ना, यहाँ आ करके ये इतना अफरा तफरी, इतने अफरे तफरी में अगर कोई अगर मरीज आए, उनको जाना हो, अगर इमरजेंसी में जाना हो तो कोई जा पाएगा? आपको लगता है पर्यटन स्थल बना दिया इन लोगों ने? बस हाँ, ये इन लोगों का घूमने का अड्डा हो गया अब ये। और जब हमने खेसारी लाल से सवाल किए तो क्या सफाई मिली उनके इस दौरे को लेकर, ये भी सुनिए। जो मेरे मन में विचार है उसको तो मैं मार नहीं सकता, बस इनके दुख में शामिल होने आया हूँ। अब वो तो मैं पब्लिक को मैं कैसे रोक सकता हूँ, क्योंकि अब एक स्टार्डम है, लोगों के मन में मेरे प्रति श्रद्धा है। बस कुछ सामग्री देने के लिए मैं आया था, हाँ कुछ सामग्री 10-12 क्विंटल मैं घोल यहाँ पे डालने वाला था लोगों की मदद के लिए। और मैं इसलिए आया ताकि मुझे देखकर मेरे फैन है वो भी मदद करने की कोशिश करें। फैन से ज्यादा आप व्यवस्था हो रही है आपकी वजह से? नहीं होगी, नहीं होगी, ये सब मरीज के ही लोग हैं, इसीलिए मैं निकल नहीं जा पा रहे हैं आपकी वजह से। नहीं नहीं, मैं निकल गया, इसीलिए निकल गया कि मैं तो मदद के हिसाब से आया था, लेकिन अब यहाँ लोगों को मैं कैसे समझा, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। देख सकते हैं खेसारी लाल का मानना है कि वो यहाँ पर सामने आए हैं तो उनका देखा देखी उनके फैंस भी यहां पर आएंगे मदद के लिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि देख लीजिए किस तरीके से अव्यवस्था पैदा हो गई है पूरे अस्पताल में। यहां पर सैकड़ों की संख्या में जो है वो उनको उनके जो चाहने वाले हैं, उनके फैंस जो हैं, जो भी सब यहां पर अस्पताल में यहां पर पहुंच चुके हैं, जिससे कि मरीजों को नुकसान हो रहा है, वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक। तो हमारे संवाददाता रोहित सिंह लगातार वहां डटे हुए हैं और किन हालात में, उन्होंने ये तमाम तस्वीर आपको दिखाई हॉस्पिटल की, ये भी आपके सामने। लेकिन अब आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। नेताओं अभिनेताओं के दौरे से अलग यहां पर NGO पहुंचा है ताकि अस्पताल की साफ सफाई को थोड़ा बेहतर किया जा सके। आपको याद होगी आज तक की रिपोर्ट भी, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि किस कदर अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा है, हालात कितने बिगड़े हुए हैं। और ऐसे में देखिए मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़े हैं और ये एक NGO जिसने ये जिम्मा उठाया कि कम से कम साफ सफाई वहाँ पर इस स्तर तक लाई जाए कि बच्चों की सेहत को कुछ मदद मिल सके, अस्पताल को कुछ मदद मिल सके। मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल इस वक्त खुद ICU में है और अब कुछ स्थानीय लोगों ने एक पहल शुरू की है ताकि इस अस्पताल को
थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। और यहाँ भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ सामाजिक संगठनों ने यहाँ पर 10 लोगों को इकट्ठा किया है, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं, और इस अस्पताल को साफ करने की एक मुहिम फिलहाल यहाँ शुरू की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये सेव मुजफ्फरपुर नाम के एक कैंपेन यहाँ पर शुरू किया गया, एक पहल शुरू की गई है, जहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनको इकट्ठा किया गया है और अस्पताल को कम से कम साफ रखा जाए। मरीजों का इलाज तो ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन साफ सफाई का इंतज़ाम तो कर सकते हैं, उसमें पहल उसमें ये अपना योगदान दे रहे हैं। भारतेंदु हमारे साथ हैं, समाज सेवक भी हैं, ये बताइए आप लोगों ने ये पहल शुरू की है क्यों? हम लोगों ने सेव मुजफ्फरपुर करके एक ड्राइव चलाया है, चूँकि आज जिस स्टेज में SKMCH हॉस्पिटल है, यहाँ लेग पुलिंग के अलावा हम लोगों को पहले इनकी मदद करनी होगी। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बच्चे बीमार हैं, भीड़ ज़्यादा है, तो जो संसाधन की कमी है, एक छोटा सा हमारा प्रयास है कि सफाई के माध्यम से और पीने के पानी के माध्यम से हम लोग हॉस्पिटल को मदद करें। कितने लोग इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं? आज हमारा ये पहला दिन है, अभी हमारे साथ 10 लोग हैं, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठन भी हमारे साथ अभी यहाँ पे आ गए हैं, जैसे सत्यमेव जयते की टीम है, TGR सिक्योरिटीज से लोग आए हैं, कई सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग हैं, जैसे मुजफ्फरपुर नाव, बिहार दस्तक, तमाम लोग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और हॉस्पिटल प्रशासन को मदद करें। अभी मदद का समय है और सरकार के साथ राजनीति का समय नहीं है। लखनऊ में शादी के समारोह से लौट रही वैन नहर में पलट गई। हादसे में 7 बच्चे पानी में बह गए, जिनकी तलाश की जा रही है। गोताखोर नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, बेहद तकलीफ दे यह हादसा जो लखनऊ में हुआ, जहां पर शादी समारोह से जो वैन निकली वो पानी में गिर गई नहर में। 7 अब तक लापता है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।